हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज शाम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे हैं, आपके बारे में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो इस रीडिंग में पूरी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, इस पर्सन के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, चाहे इस पर्सन की फीलिंग्स हों, इस पर्सन के इमोशंस हों, इस पर्सन के एक्शंस हों, इस पर्सन के इंटेंशंस हो, क्या कुछ है इस पर्सन के मन में, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाली हैं, कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ओके, और एक चीज़ जो आपको बताना और आपका जानना ज़रूरी है कि ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो पार्ट भी आपसे इस रीडिंग का रेजोनेट करे आप उसे क्लेम करिएगा, बाकी पार्ट किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, किसी के लिए भी ये रीडिंग देखी जा सकती है। या फिर आप इस रीडिंग को अगर चाहें तो उस इंसान के लिए भी देख सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की सोच आपको लेकर क्या है, वो इंसान आपके बारे में क्या बातें करते हैं और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, इस रीडिंग में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग के साथ। ओके, हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं पॉलिटिक्स, चेंज, फ्रेंडलीनेस, सक्सेस, मूवमेंट टू मूवमेंट एंड ट्रस्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है, जो ये लोग एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये लोग वो वैसे हैं ही नहीं, इन लोगों के दिल में जो कुछ भी है ना एक दूसरे के लिए, यहाँ पर ये सारी फीलिंग्स और ये इमोशंस छुपे हुए हैं। ये पर्सन एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आपका पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़कर जा चुका है तो थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन कोई गेम खेल रहा है, और ये गेम यहाँ पर पॉलिटिक्स के कार्ड में नज़र भी आ रहा है। तो बहुत सारा चेंज आप दोनों के रिश्ते में आया है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते में भी बहुत सारा चेंज आया है। शायद किस्मत में ऐसा ही लिखा था, ये होना ही था। आपका पर्सन आपको पाने के लिए जिस तरह से कोशिश कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ गेम खेल रहा है, ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है। आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, पर शायद आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आज शाम ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके खातिर क्या से क्या बन गया, क्या कुछ करना पड़ रहा है इस पर्सन को, थर्ड पार्टी को मनाने के लिए थर्ड पार्टी से आपके बारे में बात करता है। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है आपको अपना बनाने के लिए, और अभी भी ये कोशिशें जारी हैं इस पर्सन की। ये पर्सन आप दोनों की लाइफ में ही बहुत कुछ चेंज करना चाहता है, यानी कि जो कुछ भी इस वक्त सिचुएशन है, ये जो नो कॉन्टैक्ट है इसे ख़त्म करना चाहता है ये पर्सन। और ये चेंज ये पर्सन ला कर रहेंगे, थर्ड पार्टी इस पर्सन की अगर फैमिली है तो उन्हें ये मना कर रहेंगे आप दोनों के रिश्ते के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रांग बॉन्ड आप दोनों के बीच नज़र आ रहा है वो फ्रेंडलीनेस के कार्ड में आप देख भी सकते हैं। तो ये पर्सन इस फ्रेंडशिप को, इस दोस्ती को, इस प्यार को टूटने नहीं देगा, और ये पर्सन इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाकर रहेगा। जो कोशिशें ये पर्सन कर रहा है वो कोशिशें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फ्रेंडलीनेस एंड सक्सेस के कार्ड इस बात की तरफ इशारा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है ताकि ये पर्सन आपको अपना बना सके। और इस रिश्ते में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं, और ये पर्सन जानता है कि आप इस पर्सन को गलत समझ रहे होंगे और इस पर्सन के इंटेंशंस पर आपको शक हो रहा होगा, इसलिए आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि यहाँ पर ये पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं आपके रिश्ते के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच की ये दूरियों को मिटाने के लिए कर रहे हैं, आपको अपना बनाने के लिए कर रहे हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए कर रहे हैं। जो भी ये पर्सन गेम खेल रहा है ना थर्ड पार्टी के साथ में, ये पर्सन शायद आप दोनों के रिश्ते के लिए उन्हें कन्विंस करना चाहता है, या फिर जिस किसी भी रिश्ते में इस तक है वहाँ से निकलना चाहता है ये पर्सन। तो इसलिए इस पर्सन को अपने जो ट्रू इंटेंशन हैं उन्हें छुपाना पड़ रहा है, अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाना पड़ रहा है, अपने इमोशंस को हाइड करके रखना पड़ रहा है। तो ये पर्सन किसी भी तरह से
अपने चेहरे पर आने वाले किसी भी भाव से ये जाहिर नहीं होने देना चाहता है कि ये पर्सन आपको लेकर कितना सीरियस है, या फिर इस पर्सन के मन में जो चल रहा है वो इस पर्सन के फेस से जाहिर ना हो सके। तो ये पर्सन नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है, और जो कुछ भी इस पर्सन के अंदर मन में चल रहा है, इस पर्सन के अंदर जो कोहराम मचा हुआ है, जो शोर मचा हुआ है, उसे थाम के चलना चाह रहा है ये पर्सन। यानी कि उस शोर को, उस सारी चीज़ को ना ये पर्सन अपने फेस से, अपनी आँखों से, अपनी स्माइल से, अपने हाव भाव से, अपने बिहेवियर से शो ही नहीं करना चाहता। तो ये पर्सन सब कुछ छुपाए हुए अपने अंदर ही, और एक घुटन और बेचैनी भी है इस पर्सन को, पर फिर भी ये पर्सन मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रहा है और अपने जो इरादे हैं ना उनको जाहिर नहीं होने देना चाह रहा। अब आपको ऐसा लगता होगा कि इस पर्सन के ये इरादे नेक नहीं हैं, ये पर्सन कोई ना कोई पॉलिटिक्स आपके साथ में भी खेल रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो, पर ये चीज़ बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये जो पॉलिटिक्स खेलता हुआ ये पर्सन नज़र आ रहा है, जो गेम खेल रहा है, ये थर्ड पार्टी के साथ ही खेल रहा है पर्सन, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना फ्रेंडलीनेस एंड सक्सेस के आए हैं। तो इस रिश्ते को ये पर्सन सक्सेसफुल बनाना चाहता है, इस बॉन्ड को तो ये पर्सन और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते को स्ट्रांग बनाने के लिए ही ये इतने प्रयास कर रहा है और आपके बारे में बातें करता है कि ये पर्सन आपके साथ मूवमेंट टू मूवमेंट चलना चाहता है, आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है ना वो मूवमेंट टू मूवमेंट एंड ट्रस्ट हैं। तो आज शाम भी ये पर्सन इसी एनर्जी में थे, ये पर्सन कोशिश कर रहा है आपका ट्रस्ट जीतने की, आपके साथ मूवमेंट टू मूवमेंट चलने की। और जो भी ये पर्सन अब तक कोशिश करते रहे हैं उसमें इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि 50% सक्सेस मिली है, क्योंकि ये पर्सन आपको ये बता नहीं रहे, आपको ये दिखा नहीं रहे, फिर भी पीछे से ये पर्सन इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले रहे हैं, कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं। एक नई दिन तो ये पर्सन कामयाब होगा, उसके बाद शायद ये पर्सन आपको बताएगा। तो अगर इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आपको नहीं मिल रहा, ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो शायद इस वक्त ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि ये अपनी फैमिली को आपके इनके रिश्ते के लिए कन्विंस कर सके, ताकि आप दोनों एक हो सकें। तो यहाँ पर ये कोशिशें जारी हैं इस पर्सन की तरफ से, और ये पर्सन आपका ट्रस्ट अगर खो चुके हैं तो बहुत जल्द ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतने की भी कोशिश करेगा। उसी तरह ये पर्सन अपनी फैमिली का ट्रस्ट जीतने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये पर्सन उनसे अपनी बातों को मनवा सकें, आपके इनके रिश्ते के लिए कन्विंस कर सकें, आप दोनों एक हो सकें और ये रिश्ता जो है ना सक्सेसफुल हो सके। तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता अगर इस वक्त ऐसा है कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, या आपको इस पर्सन पर पूरी तरह से ही ट्रस्ट नहीं रहा, तो ये पर्सन फिर से एक कोशिश करेगा आपका ट्रस्ट पाने की और इस रिश्ते को मजबूत बनाने की, क्योंकि इस रिश्ते की जो जड़ें हैं ना बहुत मजबूत हैं। यहाँ नज़र भी आ रहा है फ्रेंडलीनेस के कार्ड में कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, ऐसा ये पर्सन भी फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फील होता है, पर आप इन दिनों जता नहीं रहे क्योंकि आप इस पर्सन से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, जबकि ये पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ पॉलिटिक्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों अगर किस्मत से मिले हैं तो किस्मत ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाएगी। जब ये व्हील घूमेगा ना तो बहुत सारे चेंजेस आप दोनों के रिश्ते में आएंगे, और जो आपके लिए सही है, जो इस पर्सन के लिए सही है, जो आप दोनों के लिए सही है, वही होगा। ओके बस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके बस, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।